नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत हिमाचल की बड़ी सियासी खबर से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने किसी तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम सुक्खू का यह बड़ा बयान, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बयान दिए गए थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा सौंप दिया है, इस्तीफा दे दिया है। लेकिन खुद मीडिया के सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आते हैं और कहते हैं, मैंने किसी तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया है, पूरे 5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार चलेगी। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है, अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए। और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है, किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें हिमाचल की सियासत से। जयराम रमेश का हिमाचल की सियासत को लेकर बयान सामने आया है, क्रॉस वोटिंग से साजिश रची गई है। हमारे 3 बड़े नेता शिमला में हैं, तीनों पर्यवेक्षक तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। सभी विधायकों से पर्यवेक्षकों की बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। और एक और बड़ी खबर हिमाचल की सियासत से जुड़ी, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, विधानसभा में बजट प्रस्ताव 2024-2025 पारित कर लिया गया। स्पीकर ने ध्वनि मत से इस बजट को, इस प्रस्ताव को पारित करवाया है। बीजेपी के 10 MLA का सदन से वॉकआउट, क्योंकि 15 बीजेपी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया था। बजट सत्र है इसलिए बजट का जो प्रस्ताव था वो पारित होना था, वो पास होना था, उसमें बहरहाल कांग्रेस ने कामयाबी हासिल कर ली है। बजट प्रस्ताव 2024-2025 को पास कर लिया गया है। 15 विधायकों के निष्कासन के बाद बीजेपी के जो बचे हुए 10 MLA थे उन्होंने भी सदन से वॉकआउट कर लिया है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है। बीजेपी का दावा है कि मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है, बहुमत नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह लगातार दावा